वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आमिर है और जस्ट जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अन अकेडमी का ही एक पार्ट है। कैसे हैं आप सभी? देखें कौन कौन हमारा वेट कर रहा है। अरे वाह, 8 लोग यहां पर वेट कर रहे हैं। अक्षर, हेलो। शाहरुख हुसैन, वालेकुम सलाम। श्वेता, हेलो। हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। कबीर, अमरेश, वेरी गुड इवनिंग। आस्था एन अमरीश, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसा चल रहा है सब? तो चलिए, हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ अमरीश कह रहे हैं कि सर, अन अकेडमी पर आपको सर्च किया बट आपका आईडी मिला नहीं। ठीक है अमरीश। हाय सर, शिवम कैसे हैं आप? सही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिंक जो है कॉपी करके यहां पर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में से, आप उस लिंक को ले जा आप लेके जाना। वैसे अगर हम बात करें मेरे बारे में, तो मैं आपको एसएससी सेगमेंट में मिलूंगा। जब आप लिखेंगे एसएससी एग्ज़ाम, तो आप एसएससी एग्ज़ाम में जब जाएंगे वहां पर आप सर्च कीजिए आमिर खान। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में मेरा नाम आ जाएगा और वहां पर आप मुझे लिख सकते हैं। डिम्पल, हेलो। हेलो आरती, हेलो, गुड इवनिंग। शिल्पी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आरती, शिल्पी, डिम्पल, आप सभी आज अन अकेडमी की क्लास में थे। वहां से अगर मेरा लिंक आपके पास में है तो प्लीज यहां पर शेयर कर देना। कोई बात नहीं शाहरुख, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा एसएससी में। आप एसएससी एग्जाम में आमिर खान अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा आरती और शिल्पी दोनों ही मेरी क्लास आज 1 से 2 वाली क्लास में थे, तो अगर इनके पास में कोई लिंक है या मेरी प्रोफाइल का कोई लिंक है तो वो यहाँ पर शेयर कर दें, नहीं तो मैं खुद शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकर चलें चीजें आगे। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? द हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसी कल्चर या हॉर्ट्री कल्चर? जल्दी मुझे जवाब देकर बताइए, जल्दी जवाब देकर बताइए कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा आपके हिसाब से। कबीर ने आंसर दिया है ए, सीमा अग्रवाल ए, शाहरुख ने आंसर दिया है ए, आरती ने आंसर दिया है ए, एपीकल्चर। अक्षय ने आंसर दिया एपीकल्चर। पुष्पेंद्र नाथ ने जवाब दिया है बी, सेरीकल्चर। डिंपल ने आंसर दिया ए। चलिए अगर हम आंसर्स को आगे बढ़ाएं, तो यहां बात करें मधुमक्खी के पालन के बारे में, तो वो डेफिनेटली कहलाएगा एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। अब वेरी वेल डन, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एडवर्ड जेनर निम्न में से कौन से रोग से जुड़े हुए थे? अ वेनम, बाउल टाइट, बाउल फीवर, इट्स स्मॉल पॉक्स एंड पैरालिसिस। जल्दी जवाब देकर मुझे बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। श्वेता ने आंसर दिया है सी, कबीर ने आंसर दिया है सी, सीमा ने आंसर दिया है सी, आरती ने आंसर दिया है सी, शाहरुख हुसैन ने आंसर दिया है सी और शिल्पी ठाकुर ने आंसर दिया है सी। आस्था गुप्ता ने आंसर दिया है सी, अक्षय ने आंसर दिया है सी। तो सभी का आंसर यहां पर जो है सी है, तो जो जनता का आंसर वही हमारा आंसर, तो ये जवाब हुआ स्मॉल पॉक्स, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला जो टीका बना था वो स्मॉल पॉक्स का टीका था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला टीका है, वर्ल्ड्स नंबर वन वैक्सीन या फर्स्ट वैक्सीन, जिसको बनाया था एडवर्ड जेनर ने। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा।
डिंपल ने आंसर दिया है बी, नहीं बाउल फीवर नहीं होगा, यहां पर आंसर जो है वो होगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निम्नलिखित में से वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था, या अगर हम बात करें तो कौन थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बताइए किन्होंने डिस्कवरी करी थी, क्या वो ल्यूनहॉक थे या वो हार्वे थे या मेंडल थे या रोनाल्ड रॉस थे, जल्दी जवाब देकर बताइए क्या है आपका आंसर। ओके आरती, आरती ने आंसर दिया है बी, कबीर ने आंसर दिया है डी, सुनील गोदारा ओके, आस्था, जय यदुवंशी, श्याम कुमावत एंड कबीर, सभी के आंसर आ रहे हैं यहां पर बी, सुनील ने आंसर दिया है ए, और कोई जो आंसर देना चाहे यहां पर, ठीक है मैं देता हूं यहां पर आंसर, डिस्कवरी ऑफ बीसीएस यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यह किया गया था विलियम हार्वे द्वारा। विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर आंसर दिया है बी, वो बिल्कुल ठीक है। तो विलियम हार्वे ने पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की थी। अमरेश ने आंसर दिया है ए, नहीं आंसर गलत है। सुनील गोदारा, यहां पर आंसर होगा विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हृदय का पहला विस्थापन किसके द्वारा किया गया था, हृदय का पहला विस्थापन किसके द्वारा किया गया था, पहली बार जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था वो पहली बार किसने किया था, डॉक्टर विलियम हार्वे ने किया था, एफ जी हॉफकिंस ने किया था, लुई पाश्चर ने किया था, या सर डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया था, जल्दी जवाब दीजिए। द फर्स्ट रिप्लेसमेंट और ट्रांसप्लांट ऑफ द हार्ट वॉज डन बाई डॉक्टर विलियम हार्वे, एफ जी हॉफकिंस, लुई पाश्चर और क्रिश्चियन बेनार्ड। फोर्थ का आंसर सबसे पहले दिया है श्वेता तिवारी ने, नहीं सबसे पहले आंसर दिया है आरती ने, फिर आंसर दिया है श्वेता ने, फिर सीमा ने, कबीर ने, अमरेश ने, अक्षय ने, अक्षज ने, शाहरुख कहते हैं नो आइडिया, उमेश कहते हैं डी, इकराम कहते हैं डी, डिंपल कहती है डी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर हर ट्रांसप्लांट के बारे में तो यहां पर सब जो जवाब होगा वो होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। ठीक है, क्योंकि हार्वे ने तो किसका किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, हॉफकिंस का नाम लिया जाता है न्यूट्रिशन के डिस्कवरी में, जो आप पोषण के बारे में बात करें उसके बारे में, और अगर आप बात करें लुई पाश्चर तो इन्होंने रेबीज का टीका बनाया था, रेबीज का टीका। ठीक है, तो रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो लुई पाश्चर द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने दिखाया, मेघनाथ साहा ने, स्टीफन हॉकिंस ने, वॉटसन और क्रिक ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। फिफ्थ का आंसर कबीर ने दिया है सी, श्याम ने दिया है सी, आस्था ने सबसे पहला जवाब दिया है यहां पे, फिर शाहरुख ने, फिर सीमा, अक्षज, आरती, रिंकू, इकराम, शिल्पी, डिंपल, सभी ने आंसर दिया है सी, वॉटसन और क्रिक। तो आप सभी को पता होगा कि वॉटसन और क्रिक जो है इन दोनों ने ही मिलकर क्या दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। और क्या कोई बता सकता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, श्वेता, उमेश, डिंपल, ऑल ऑफ यू आर राइट, तो कोई बता सकता है कि स्टीफ, ये वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की कैसी संरचना दी थी, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसी संरचना दी गई थी।
आई वेटिंग फॉर योर आंसर. डबल हेलिक्स. आरती ने जवाब दिया डबल हेलिक्स, वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक है. श्वेता ने जवाब दिया है, कबीर ने जवाब दिया है डबल हेलिक्स मॉडल, वेरी वेल डन. डबल हेलिक्स मॉडल लास्ट था, ठीक है, वेरी वेल डन. द पॉली न्यूक्लियोटाइड, हाँ सीमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं. द्वि कुंडलीय सर्पिलाकार एक्स के आकार का, वेरी वेल डन इकराम, सुनील, आस्था. चलिए मुझे आंसर देकर बताइए कि द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया था, विकास का सिद्धांत आपके हिसाब से किसके द्वारा दिया गया था, पाश्चर के द्वारा दिया गया था, अरुस्तु के द्वारा, मेंडल के द्वारा या डार्विन के द्वारा. आस्था ने जवाब दिया है डी, कबीर ने आंसर जवाब दिया है डी, आरती ने जवाब दिया है डी, और कोई जो आंसर दे रहा है. देखिए अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, ओके आंसर आ चुके हैं डिंपल, अमरेश, श्याम कुमावत, उमेश, अक्षज, बिल्कुल सही. थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये डार्विन द्वारा दिए गए थे, ठीक है, तो यहां आंसर होगा डी, बिल्कुल सही जवाब है. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आप एक पेपर पे अपने नंबर नोट करेंगे कि आपका कौन कौन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही आ रहे हैं. जब आज क्लास की समाप्ति होगी तो जितने भी लोग यहां आंसर दे रहे हैं उन सब का लीडर बोर्ड में यहां पर बताऊंगा कि क्या क्या रहे, क्या क्या रहा, आस्था का कितना रहा, ठीक है, या फिर कबीर का कितना रहा, श्याम का कितना रहा, आरती का कितना रहा. तो जितने भी लोग हैं, शाहरुख, सीमा, सभी के आंसर्स को मैं यहां पर सभी के सामने दिखाऊंगा, जो एक्चुअल में पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने स्कोर हायर किए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सातवां क्वेश्चन है यहां पे, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया. तो वो कौन थे जिन्होंने हेरिडिटी को जेनेटिक्स कहा, क्या वो लिस्टर थे, क्या वो जेनर थे, क्या वो पाश्चर थे, या फिर वो हार्वे थे. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आशा वीडियो का पीडीएफ, ठीक है, कुछ करेंगे मामला, पीडीएफ के लिए बात करेंगे डेफिनेटली. आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन क्या है, इसके ऑप्शन गलत है, इसको कैंसिल करते हैं, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. ऑप्शन इसके गलत है, सारे ही आंसर गलत है सेवेंथ के. आप तुक्का मत लगाइए, गलत आंसर है. नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन, मेंडल, डार्विन और आर्किमिडीज. हु क्रिएटेड द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. एट का सी डार्विन. आरती, एक्चुअली वो क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर जो है वो आपको आगे मिल जाएगा. वो सेम क्वेश्चन गलती से शायद रिपीट हो गया है. एट का आंसर सभी लोग सी दे रहे हैं. अक्षर ने आंसर दिया है डी, शिल्पी ने आंसर दिया है सी, डिंपल, अमरेश, नो आइडिया, श्वेता कहती है डार्विन, बिल्कुल सही. नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा गया था. जिन भी लोगों ने डार्विन आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, मेयर, सिल्डेन, रॉबर्ट हुक या मेमन. आपके हिसाब से हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था.
नाइन्थ का आंसर क्या होगा? हिस्टोलॉजी शब्द आपके द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? कबीर ने आंसर दिया, ए अक्षर ने आंसर दिया है, मेयर श्वेता ने आंसर दिया, ए जय यदुवंशी कहते हैं, सी डिंपल कहते हैं, ए सुनील, उमेश, शिवम, राहुल, ए अमरेश। ओके, तो यहां पर सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया है। एक्चुअल में अगर बात करें हिस्टोलॉजी के बारे में, तो जो हिस्टोलॉजी है वो दी गई थी मेयर फ्रांसिस जेवियर के द्वारा। तो यहां पर जो जवाब है वो होगा ए। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यहां पर सही आंसर दिया है, जल्दी बताइए कौन कौन है जिसने भी आंसर दिया है। अरे राहुल मूर्ति आप आ गए, वेरी वेल डन, नाइन्थ का आंसर सी, बिल्कुल यहां पर जो आंसर है वो आंसर होगा ए। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल 1819 के अंदर दिया था एस्ट्रोलॉजी, अ वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहां पर होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर? ह्यूमन स्किन इज द थिंकेस्ट, ऑन द पाम, ऑन द फ्लोर, ऑन द टॉर्सो, ऑन द हेड। जल्दी आंसर देकर बताइए, इट्स ओके सुनील गोदारा, ओके सभी ने आंसर ए दिया था, बहुत सारे लोगों ने। टेंथ का आंसर दीजिए, सबसे पहला आंसर दिया है आरती ने, फिर दिया श्याम ने, कबीर ने, श्वेता ने, राहुल मूर्ति, उमेश और आस्था, सीमा, रिंकू, अमरेश, अक्षज, शाहरुख, सभी ने आंसर दिया बी। अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, वेरी वेल डन। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो तलवा होता है, जो टॉर्च होता है, उस पर जो फ्लोर होता है उस पर सबसे ज्यादा मोटी चमड़ी होती है। अ वेरी वेल डन, त्वचा सबसे ज्यादा थिकेस्ट जो होती है वो वही होती है। शिवम, डिंपल, उमेश, शाहरुख, अक्षज, सभी ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है, बताइए सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? मेंडल, डार्विन, वॉटसन या खुराना? जल्दी आंसर देकर बताएंगे मुझे। जवाब आया नहीं है अभी तक, ओके जवाब आता हुआ। सबसे पहले आंसर दिया है आरती ने, आंसर दिया है डी, आस्था ने आंसर दिया है डी, श्वेता ने आंसर दिया है ए, रिंकू पाल ने आंसर दिया है खुराना, अक्षय कहते हैं मोंडल, कबीर कहते हैं डी, उमेश कहते हैं ए, राहुल कहते हैं ए, अमरेश कहते हैं सी, डिंपल कहते हैं डी, सीमा कहते हैं ए, डी डी। अगर हम बात करें द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ जीन के बारे में, तो जीन सिंथेसाइज सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले, बिल्कुल वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी आंसर डी दिया है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना ने जो है इसका सबसे पहला जीन संश्लेषण किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है, ये तो सेम ही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था?
जल्दी जवाब दीजिए। नाइनटीन सेवेंटी टू, वेरी वेल डन। देखिए अंदर वाला जो हिस्सा है ये नाइट्रोजन बेस होता है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये शुगर और फॉस्फेट होता है, याद रखना। नाइट्रोजन बेस एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, कुछ इस तरीके से मामला यहां पर रहेगा। और जब आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन बेस के बारे में तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि एडिनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन के साथ में जुड़ता है, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में गुआनिन के साथ में जुड़ता है, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ATCG, अतुल तिवारी चला घूमने, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा डबल हेलिक्स मॉडल किस तरीके से काम करता है और क्या बनता है। तो यहां पर ATCG अतुल तिवारी चला घूमने, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया है वो थंब का निशान मुझे भेज दो यार, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको समझ में आया है या नहीं आया है। वॉटसन और क्रिक, सुनील गोदारा, बिल्कुल ठीक जवाब। अतुल तिवारी चला गांव, हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन हैव द नंबर ऑफ डाइप्लॉइड क्रोमोसोम, 23, 24, 46 एंड 48। थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा काम संपन्न हुआ। कबीर, आस्था, शाहरुख, आरती, आरती टोटल क्रोमोसोम पूछ रहा है, टोटल क्रोमोसोम पूछ रहा है कितना होगा। तेईस जोड़ी, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेल डन। सुनील गोदारा, आस्था, शिवम, डिंपल, अमरेश, 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी 23 पेयर होते हैं, आप वेरी वेल डन। यहां जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है सभी का, क्योंकि यहां पर बाइपोलाइट पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो 46 क्रोमोसोम होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 23 एंड 23। तो जो 23 पेयर आते हैं वो आते हैं मदर से, और 23 आते हैं फादर से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस तरीके से आपका 46 क्रोमोसोम का कच्चा चित्ता बैठता है। अ वेरी वेल डन, यस सर, 23 जोड़े होते हैं टोटल, 46, वेल डन। नेक्स्ट, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है? पिता का, माता का, माता और पिता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? श्वेता तिवारी कहती है ए, पिता का। फिफ्टींथ का ए, ए, ए।
आस्था कहते हैं फादर, उमेश, कबीर, आरती, रिंकू, सागर, शिल्पी, उमेश, पीकू, टीकू, टूकू, एस के गुप्ता, सुनील, जय यदुवंशी, ठीक है, ऑल ऑफ यू। यहां पर ज्यादातर लोगों का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है पिता। तो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि किसी मेल के पास में दो जोड़े होते हैं, दो पेयर होते हैं, 22+X और 22+Y, जबकि किसी फीमेल के पास में एक ही प्रकार का होता है, 22+X और 22+X। तो अगर आप देखें तो किसी भी फीमेल के अंदर एक जैसे पेयर पाए जाते हैं क्रोमोसोम के, जबकि मेल में एक्स और वाई दो अलग अलग पेयर पाए जाते हैं। तो किसी भी जगह पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में ज्यादातर लोगों के जब लड़कियां पैदा हुआ करती थी, देखो ये बहुत खतरनाक सोच हुआ करती थी, तो ऐसी स्थिति में सारा इल्जाम वहां पर बहू के ऊपर डाल दिया जाता था, या सारा इल्जाम जो है वो औरत के ऊपर डाल दिया जाता था। जबकि अगर हम बात करें किसी भी लेडी के बारे में, किसी भी फीमेल के बारे में, तो फीमेल की कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर दोनों ही क्रोमोसोम सिमिलर पाए जाते हैं। यहां पर गलती किसकी होती है? पुरुष की होती है, क्योंकि उन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए जैसे पुराने जमाने में लोग अपनी बहुओं को निकाल दिया करते थे, ज्यादा से ज्यादा लड़की उत्पन्न होने के चक्कर में मेरे हिसाब से लड़कों को बाहर निकालना चाहिए था। तो यहां पर एक्चुअल में जो आंसर है वो है पिता। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, कौन सा नहीं है? निटिंग कर्टेन, ईयर मसल, सामने वाले चपटे दांत यानी इनसाइजर, और अपेंडिक्स। जल्दी बताइए, आपका आंसर क्या होगा? सिक्सटीन का आंसर सबसे पहले दिया है आस्था ने, उसके बाद शाहरुख, श्वेता, श्याम, डिंपल, सीमा, उमेश। डन, ठीक है, ओके ओके फाइन। तो अब तो आपके सबके वीडियो चल रहा होगा ना? हाँ, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा नेट इश्यू यहां पर चल रहा है। ओके, हो गया, डन डन, लौट आओ, सभी लोग आइए, सभी लोग आ जाइए, जो भी जा चुके हैं सभी को बुला दीजिए। हम यहां पर चर्चा कर रहे थे, ओके फाइन, नाउ इट्स ओके। तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? इंसाइजर के बारे में। तो इंसाइजर जो है वो आपके अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं? हाउ मेनी आई डज अर्थवर्म हैव? एक, दो, बहुत सारी होती है, या कोई आंख नहीं होती? जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर 17th का? सेवनटींथ डी, नो आईज। आरती, श्याम, सुनील, डिंपल, कबीर, आस्था, उमेश, ओके। यहां पर सभी ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, और आंसर है यहां उस केचुए की यानी अर्थवर्म की कोई आंख नहीं होती। अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बिल्कुल ठीक जवाब आपका।
नेक्स्ट, बिच्छू का विष कहां पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में या डंक में? स्कॉर्पियन पॉइजन, वेयर इज द स्कॉर्पियन पॉइजन? जल्दी बताइए कहां पर होगा। सुनील गोदारा अंधा होता है। श्वेता तिवारी ने आंसर दिया है डी। आंसर किसका है, 18th का है या 17th का है? बी क्लियर। अरे नहीं राहुल मूर्ति, बिल्कुल नहीं भूले यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको भूल जाए। रिंकू पाल, शिल्पी, अक्षत, शाहरुख, जय, उमेश, डिंपल, आरती, सभी आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं किसी को नहीं भूलता। ठीक है भाई, अगर हम यहां पर देखें तो 18th के आंसर आ रहे हैं डी, डंक में होता है। अ वेरी वेल डन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बिच्छू का जो विष होता है, जो पॉइजन होता है, वो उसके डंक में होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रेलवेज और एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आप में से किसी को याद है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं ऑक्टोपस के बारे में। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऑक्टोपस के क्या होते हैं? द ज्वाइंट फूट होते हैं, या प्रिंकली होता है, या हेमिकॉर्डेटा है वो, या फिर मृदु कवची है, बहुत सारे कवचों से घिरा हुआ है। जल्दी आंसर देके बताइए 19th का। मेरे हिसाब से इसका आंसर तो सही होना ही चाहिए, 100% गलत नहीं होना चाहिए। नाइनटीन का आंसर है डी। डी आंसर दिया है शिवम ने सबसे पहले, राहुल ने दिया है सेकंड नंबर पर, और अक्षर ने दिया है तीसरे नंबर पर। डी, नो क्लियर। डी 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 डी, वाह, सभी का आंसर यहां पर डी आया। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बहुत सारे कवचों से घिरा होता है, तो मृदु कवची कहते हैं इसको। बिल्कुल सही जवाब कबीर। निम्न में से कौन सा मीन है? कौन सा मीन है? क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश? अच्छा शाहरुख, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जल्दी बताइए मीन फिश कौन सी है? आप लोगों के हिसाब से जल्दी जवाब दीजिए। मीन फिश को कोल्ड ब्लडेड फिश भी कहेंगे। सुनील कह रहे हैं कि सर जी सच बताएं, इस बार लोगों को देखकर डी बोला है। सर व्हाट इज मीन? मीन का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लड होता है जिसका। आरती ने आंसर दिया है डी, जय ने आंसर दिया है डी, श्वेता, सीमा, सभी ने आंसर डी दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था 6 से 7 की क्लास के अंदर, तो सिल्वर फिश जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? मछली की, भ्रंग की, ये कीट बोलना चाहता है, इट फॉर इट्स इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बताइए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कुछ लोग तो गूगल कर लेते हैं, तुक्का मारा था। 21 का आंसर दिया है सीमा ने बी। मैं आप क्लास नहीं किया हूं। अरे जय, कोई बात नहीं, सो के आप मेरी क्लास ले रहे हो ना, बस और क्या चाहिए। आरती, जय, बी, इंसेक्ट कहते हैं सभी लोग। रिंकू, शाहरुख, जय यदुवंशी ने ए जवाब दिया है, कबीर ने बी जवाब दिया है, आस्था ने बी जवाब दिया है, शिल्पी ने डब्लू जवाब दिया है, डब्लू, अच्छा बी, ओके। जय यदुवंशी ने ए जवाब दिया। आज श्याम कुमावत कहां पर रह गए हैं? श्याम कुमावत नहीं आए भाई जवाब देने के लिए। चलिए, तो यहां पर जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आंसर है वो है कीट, इंसेक्ट्स, क्योंकि इनका ग्रुप कौन सा है? ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा ग्रुप जो है वो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एनिमल है।
लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है, ठीक है? तो वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। नेक्स्ट, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है, वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने बचपन में, मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे तो हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो उसी के ऊपर ये सवाल आया है कि बाहर निकलने पर क्यों मरती है भाई, उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है, यानी पानी में तो कम होती है और एयर के अंदर तो 21% है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सांस ही नहीं ले पाती या वे जल में नहीं पाती, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हेलो अनीता, हाउ आर यू, आज लेट हो गए। अक्षर, आप YouTube पे कहाँ क्लास लेते हैं? YouTube पे मेरी क्लास 6 से 7 वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम पर होती है और 4 से 5 मेरी क्लास जस्ट जनरल साइंस यानी यहीं पर होगी, ठीक है? हाँ राहुल, बिल्कुल सही जवाब, बस राहुल ने तो कॉपी मार लिया और बस अब देखो अब शुरू हो जाता है मामला। चलिए हाँ भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं सी, वो सांस नहीं ले पाती, बिल्कुल सही बात है, वो गिल से सांस लेती है, गलफड़े होते हैं उसके, फेफड़े नहीं होते हैं, इसी वजह से उसकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती और वो मर जाती। क्यों शीतकाल में की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मर जाती हैं? खाने की कमी हो जाने की वजह से, अविष के सांद्रण की वजह से, द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अविष या टॉक्सिक, ऑक्सीजन के वेदर की वजह से या कोई ना कोई फेलियर की वजह से मरती हैं? बताइए 23 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बिल्कुल अनीता, ये क्लास SSC CHSL के लिए भी है, हम 4 to 5 और 6 to 7 में बस एक ही काम करते हैं कि 6 to 7 जो मेरी क्लास होती है उसका लेवल थोड़ा सा मैं अप कर देता हूं। 23 का आंसर आ रहा है सी, शाहरुख ने आंसर दिया है सी, सीमा ने आंसर दिया है सबसे पहले, अक्षय ने उसके बाद आंसर दिया है, श्याम कुमावत कहां चले गए थे यार, शाहरुख, सागर, डिंपल, आस्था, श्वेता, अमरेश, सभी ने यहां पर जो आंसर दिया है वो सी दिया है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट, मेंढक में कितने हर्ट होते हैं, कितने हर्ट में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर कितने हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। सर मुझे नहीं पता था कि आपकी क्लास 4 से 5 भी होती है, मुझे 6 का पता था, कोई बात नहीं, 4 से 5 भी मेरी क्लास होती है। नो आइडिया, 4-4 सबके जवाब आ रहे हैं, लेट कमेंट पहुंच रहा है आपके पास में, ओके बी एंड रामलाल, 3 अमरेश, शिल्पी, सर भूल गया, तुक्का लग रहा था। आपके हिसाब से मेंढक कौन सा जीव है? उभयचर, एम्फीबियस एनिमल, एम्फीबियस एनिमल है, अगर एम्फीबियस एनिमल है तो कौन सा हर्ट होगा? ट्राई चैम्बर हर्ट होगा, तो यहां पर जो जवाब है वो होगा बी, ठीक है? तो आंसर जो होगा यहां पर बी होगा, ठीक है? वेरी वेल डन, एम्फीबियन है तो यहां पर अगर देखा जाए उभयचर है, तो उभयचर होने की वजह से यहां पर जवाब क्या हो गया, 3। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियस होते हैं उन सबके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं, किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को छोड़कर, और मगरमच्छ के अंदर भी अपवाद आ गया है, घड़ियाल, तो घड़ियाल के अंदर जो है बेसिकली जो है 4 होते हैं, बाकी सब के अंदर 3 होते हैं, ठीक है? अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है?
शीत रक्ति का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोल्ड ब्लड एनिमल, ठीक है, टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बार, क्या वो मछली है, क्या वो फ्रॉग है, क्या वो लिजर्ड है, या फिर सभी हैं। आंसर देकर बताइए क्या होगा। ठीक है सुनील, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सीमा ने आंसर दिया है डी, सभी। सागर ने आंसर दिया है सी। अक्षज ने आंसर दिया है फ्रॉग। फिर आया लिजार्ड। डिंपल ने आंसर दिया है सी। राहुल मूर्ति सी। आरती ने आंसर दिया है डी, सभी। आस्था, श्वेता, अनीता, सभी ने आंसर दिया है यहां पर सी। अ वेरी वेल डन। अगर हम बात करें तो छिपकली सही आंसर होगा, क्योंकि लिजर्ड क्या होती है, एक रेप्टाइल है। रेप्टाइल का मतलब सरीसर्प है, और अगर वो सरीसर्प है तो वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। चलिए कोई बात नहीं सुनील, इट्स ओके। कबीर और अमरीश ने आंसर बाद में दिया है, आंसर दिया है फ्रॉग। फ्रॉग तो एम्फीबियस एनिमल होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल थोड़ी है। यहां पर अगर बात करें रेप्टाइल्स के बारे में तो रेप्टाइल्स ज्यादातर जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। नेक्स्ट आंसर, नरसंघ प्राणी कौन सा है? नरसंघ का मतलब होता है डेस्टली क्रिएचर। यानी ऐसे प्राणी जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। डिंपल ने आंसर दिया है बी। मुझे पता है कि इसका आंसर आपको नहीं पता है, तुक्का लगा दो कोई बात नहीं। रिंकू पाल कहते हैं टॉर्टोइस। अमरेश ने आंसर दिया है डी। श्याम ने आंसर दिया है डी। कबीर ने दिया है डी। श्वेता ने आंसर दिया है डी। सागर ने आंसर दिया है डी। सीमा ने आंसर दिया है डी। एंड आस्था ने भी डी आंसर दिया। ठीक है भाई, शाहरुख, सागर, राहुल, जय, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। कछुआ, कछुआ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? चैन वाइपर, किंग कोबरा, कैरेट, या फिर सौ स्केल्ड वाइपर। जल्दी आंसर देकर बताइए। सागर का आंसर आया है बी। शाहरुख कहते हैं नो आइडिया। श्वेता कहती है नो आइडिया। आरती ने कहा है बी। रिंकू कह रहे हैं डी। सागर कह रहे हैं बी। ये जो घोंसला बनाने वाला सांप है ना, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा है, अब बताओ क्या होगा आंसर। सामने आंसर दिया है डी। राहुल ने आंसर दिया है डी। यार इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब तो आंसर सही आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। राहुल, अमरेश, कबीर,
सीमा आस्था सर हमें नहीं देखा, हमने नहीं देखा बनाते हुए। तो सीमा तो देखने जाएगी क्या कि कौन सा सांप बना रहा है? जंगल में जाओ, संन्यास लेना पड़ेगा थोड़ा सा। वहां पर आपको चेन वाइपर, किंग कोबरा, करेट, सो स्केल्ड वाइपर सारे मिल जाएंगे। कैरेट, हाँ मतलब कुल मिलाकर तुक्का ही है सारा का सारा। चलिए मैं ही आंसर देता हूं, किंग कोबरा इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, याद रखना किंग कोबरा। ठीक है, ये हिंट बहुत बढ़िया है। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सांप पाया जाता है वो किंग कोबरा होता है। ठीक है, वो फन वन लागे लगा के जो खड़ा हो जाता है ना ऐसे करके, हाँ वो ठीक है, किंग कोबरा है। हाँ किंग कोबरा डिस्कवरी में देखा था, तो आरती डिस्कवरी में ही देखना, सच में मत देखना। ठीक है, क्योंकि वो इतना मौका किसी को देता नहीं है, बहुत जल्दी जो है वार करने वाला है वो। नेक्स्ट, तो भाई यहां पर अगर हम बात करें डायनासोर के बारे में, तो आपके हिसाब से डायनासोर कौन है? सीनोजोइक रेप्टाइल्स है, मेसोजोइक पक्षी है, बर्ड है, पैलियोजोइक अम्फीबिया है, या मेसोजोइक रेप्टाइल्स है? अभी पढ़ा था कुछ दिनों पहले, मेरे हिसाब से आंसर सही होगा। आस्था कह रही है किंग कोबरा का नाम ही सुना सुना है। किंग कोबरा नहीं, तो नाग जो होता है वो किंग कोबरा है। राहुल कह रहे हैं ओ माय गॉड। हाँ भाई 28 का आंसर आरती ने दिया है डी, अक्षज ने आंसर दिया है ए। हाँ किंग कोबरा के सर पर निशान होता है, बिल्कुल ठीक सुनील, बहुत सही जवाब। रिंकू ने आंसर दिया है डी, श्याम ने आंसर दिया है डी, सागर ने आंसर दिया है डी। और कोई जो आंसर दे रहा है डी, जय यदुवंशी ने आंसर दिया है बी, राहुल ने आंसर दिया है डी, डिंपल ने आंसर दिया है डी। डी डी ओके फाइन। यहां पर अगर हम देखें तो मेसोजाइक रेप्टाइल्स होता है। ठीक है, अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बिल्कुल ठीक जवाब है। डिंपल, सीमा, सागर, अमरेश, जय, सभी का आंसर सही। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सांप से लड़ता है? आप यकीन मानेंगे रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे में आया हुआ सवाल है ये, ग्रुप डी में। बंदर, नेवला, बाघ या गीदड़? सर नाग अभी भी रूप बदलते हैं क्या? अक्सर मुझे नहीं पता, वो सब फिल्मों में होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है रूप वो बदलने वाला सीन, मेरे को ध्यान नहीं है। सभी ने आंसर दिया बी, वीजल, नागिन सीरियल में देखा था। सागर, अच्छा तुम देखते हो लड़ते हो। शिल्पी कह रही है मैं लड़ते हुए देखती हूं। डिंपल भी बी आंसर दे रहे हैं, तो चलिए कंफर्म बी, चलिए ठीक है। तो यहां पर जो है वो नेवला, वीजल जो है वो सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, सांप नेवला आपस में लड़ाई चलती रहती है, तो आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी रिलेटेड टू फिश इज कॉल्ड लेपिडेटरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्टोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी? जल्दी आंसर दीजिए इसका। सर नेवला लड़ता है, मैंने लड़ता हुआ देखा है। अच्छा वेरी वेल डन, सीरियल में देखा था। शिल्पी कह रही है मैं रियल में देखती हूं, अरे वाह खतरनाक चीजों से दूर रहें, वेरी वेल डन आस्था, डिंपल। हाँ तो बताइए कि मछलियों से रिलेटेड कौन सी स्टडी आपके सामने आपको दिखाई देती है? लिपिडोलॉजी है, सिक्रेटोलॉजी है, इथनोलॉजी है या क्रिप्टोलॉजी है? आरती ने आंसर दिया है सबसे पहले सी, सागर ने आंसर दिया है सी, अक्षज ने आंसर दिया है सी, रिंकू ने आंसर दिया है
बी। कबीर ने आंसर दिया है सी, सीमा ने आंसर दिया है सी, डिंपल ने आंसर दिया है डी, जय यदुवंशी सी, राहुल मूर्ति सी, कबीर ने आंसर दिया है सी, आस्था, श्वेता, श्याम, ठीक है बिल्कुल सही जवाब यहां पर जो है वो है इथनोलॉजी। अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी या जियोलॉजी? जल्दी जवाब दीजिए। हां सुगुफन बिल्कुल मैं जानता हूं आपका नाम सागर है, मुझे याद हो गया आपका नाम। यहां पर आंसर दें, 31st का आंसर क्या होगा? अक्षर ने आंसर दिया है बी, श्याम ने आंसर दिया है बी, फिर आंसर दिया है आरती ने बी, श्वेता, शाहरुख, अमरेश, सभी के आंसर यहां पर आया बी, ऑस्टियोलॉजी बिल्कुल ठीक जवाब है। द स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी होती है और स्टडी ऑफ कार्टिलेज, क्वाड्रियोलॉजी होती है। ठीक है, अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज इक्थियोलॉजी, नियंटोलॉजी, लेपिडेरियोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? 32 का आंसर देकर बताइए क्या होगा आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक बार याद हो गए तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे और ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे डेफिनेटली। आरती ने आंसर दिया है सी, अक्षय ने आंसर दिया है सी, शाहरुख ने आंसर दिया है डी, जय यदुवंशी सी, तुक्का लगाया अक्षर, कोई बात नहीं, जय ने आंसर दिया है सी, डिंपल, आस्था, सीमा, राहुल बिल्कुल सही। जो आंसर है इसका वो है लेपिडेरियोलॉजी। अ वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, बिल्कुल ठीक आंसर। चलिए यहां पर मामला हम अपना आज खत्म करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हमारे पास में खत्म हो गए आज, इसीलिए हमें ये मामला आज खत्म करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक होगा वो ब्लड से रिलेटेड होगा, ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को, और क्लास होगी वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम पर, और क्लास होगी 6-7 PM, ठीक है 6-7 PM आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी वाईफाई स्टडी के अंदर। मैं आपसे मिलूंगा आज, ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये टॉपिक हम लोगों ने रखे हैं, और जो क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं यानी एसएससी में आ सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आप एसएससी एग्जाम में जाकर सेगमेंट में नाम लिखेंगे मेरा, और आप लिखेंगे आमिर खान, ठीक है तो वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कर लेना बिल्कुल, अमरेश आप सर्च कर लेना, इसके अलावा आरती या सीमा, ये सभी जो भी हैं आरती, सभी लोग जो है जो जिन लोगों ने मुझे वहां पर फॉलो कर लिया है, मेरा लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे कुछ देर के बाद में, मैं लिंक कॉपी करके खुद आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी आकर मेरे वहां पर क्लास जो है अटेंड कीजिए और भी लोगों से जुड़िए, ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ठीक है वेरी वेल डन। तो मिलते हैं सही 6-7, ठीक है 6 बजे बिल्कुल मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम के ऊपर।